रोजाना अगर वो ही दाल सब्जी खा खा कर हो गए हैं बोर और अब मन कर रहा है कि कुछ नया सा डिफरेंट सा खाया जाए, तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल वीडियो। आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन की ऐसी नई यूनिक ज़बरदस्त रेसिपी। ये रेसिपी आपको पक्का पसंद आने वाली है गाइस। तो बस हमने सबसे पहले लिया है डेढ़ कटोरी बेसन मैं ले लूँगी। आप अपने अनुसार जितना कम या ज़्यादा बना रहे हैं क्वांटिटी बेसन की बढ़ा या घटा सकते हैं। तो डेढ़ कटोरी मैंने बेसन लिया है। थोड़ा सा चुटकी भर यहाँ नमक हम ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर हमने मिक्स कर लिया है, और डालेंगे यहाँ थोड़ा सा हींग जिससे कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा अच्छा रहे। बच्चों के लिए भी हींग बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दो बड़े चम्मच मैंने भर के यहाँ रिफाइंड ऑयल यूज़ कर लिया है। यहाँ पर हम घी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हम आटे में मोइन लगा रहे हैं जिससे कि हमारा आटा सॉफ्ट गूंध कर तैयार हो, और बस थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका हमें आटा गूंध लेना है। तो ना ज़्यादा पतला आटा गूंधना है ना ज़्यादा टाइट। तो ये देखिए हमारा आटा गूंध के हो गया है रेडी। तो बस सारे आटे को इकट्ठा करके हम एक बड़ी सी लोई बना लेंगे। तो ये देखिए हमारी बड़ी सी लोई बनकर हो गई है तैयार। अब इसको क्या करने वाले हैं, टू पार्ट में हम डिवाइड करेंगे लोई को। तो देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट आटा हमारा गूंथ के तैयार हुआ है। तो ये देखिए टू पार्ट में डिवाइड कर लिया है मैंने। दो लोइयां हमने बना ली है और इसकी हम मोटे साइज़ की पूरियां बनाने वाले हैं। ज़्यादा पतली पूरी नहीं बनानी है हमें। तो बस थोड़ा सा आटा या बेसन हम प्लेटफॉर्म पर स्प्रिंकल करेंगे और बेसन में इस तरीके से कोट करके जिससे कि हमारा लोई प्लेटफॉर्म पर चिपके नहीं। तो बस इस तरीके से हम लोइयों को बेल लेंगे, हल्के हाथों से लोइयों को हम बेल लेंगे, और इसकी थिकनेस को हम थोड़ा मोटा रखने वाले हैं। तो ये देखिए इतनी मोटाई हमें पूरियों की रखनी है, ज़्यादा पतली पूरियाँ हमें नहीं बेलनी है। तो बस इसी तरीके से दोनों पूरियों को मैं बेल लेती हूँ। तो बस फर्स्ट लोई हमारी बिलकर हो गई है तैयार। तो बस हम प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरी लोई को भी इस तरीके से बेल लेंगे। गाइस बहुत ही अच्छी रेसिपी है, जब भी घर में कोई मेहमान आए तो आप ये रेसिपी को ज़रूर बनाकर दीजिएगा, खिलाइएगा सबको, सब खुश रहेंगे और बोलेंगे किस तरीके से आपने ये रेसिपी बनाई है। और ये देखिए सारी दोनों लोइयाँ हमारी बिलकर हो गई हैं तैयार। अब हम क्या करेंगे, तो आज हम पानी में पूरियों को पकाने वाले हैं। हमेशा हम ऑयल में पूरियों को पकाते हैं, रिफाइंड ऑयल में, घी में, मस्टर्ड ऑयल में, बट आज हम कुक करने वाले हैं पूरियों को पानी में। तो यूनिक है ना रेसिपी गाइस। तो जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तो वैसे ही हम पूरी को पानी में डाल देंगे, बेसन की पूरी को, और एक मिनट के लिए इसको हम छेड़ेंगे नहीं। फिर हम पानी को हिलाते हुए पूरी को पका लेंगे। तो हार्डली कुक होने के लिए 5 मिनट लग जाते हैं पूरी को, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए फर्स्ट पूरी हमारी पककर हो गई है रेडी, और फिर हम सेकंड पूरी को भी डाल देंगे, और इसी तरीके से दूसरी पूरी को भी हम कुक कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारी सेकंड पूरी भी बस कुक होने ही वाली है, फिर इसको हम प्लेट में निकाल देंगे। अगर यहाँ पर आपको कुक करते टाइम इसमें क्रैक आ जाए पूरी में, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्रैक आ भी जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रेसिपी तो हमें इसको कट करके ही बनानी है। पूरी को अभी हम कट करने वाले हैं। तो ये देखिए क्रैक आ गए हैं, डोंट वरी, अभी हम इसको ठंडा करने वाले हैं। तो पंखे के नीचे मैं इसको ठंडा कर देती हूँ जिससे कि थोड़ा सा हार्ड हो जाएगी और ईजिली कट हो पाए। तो बस पंखे के नीचे ठंडा करने के लिए मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था। अब इसको मैं पीस में कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए पीसेस में मैं कट कर रही हूँ। बहुत अमेजिंग रेसिपी है ये, देखिए कितने सुंदर पीसेस कट के रेडी हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बेसन की बर्फी हमने बना के तैयार की है, बट ये बेसन की बर्फी नहीं है। अगर आप इसको चाहते हैं ना, इसको आप ऐसे भी एज अ स्नैक जीरे का तड़का लगा के टमाटर प्याज से छौंक के इसको ऐसे ही एज अ स्नैक इंजॉय कर सकते हैं, बट हम यहाँ ग्रेवी बना रहे हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल गर्म कर दिया है, जीरे और हींग का तड़का लगा दिया है, तेज़पत्ता डाल दिया है। जब सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो प्याज का पेस्ट हम डाल देंगे। प्याज को गोल्डन कलर आने तक हम यहाँ फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को हमें अच्छे से कुक कर लेना है, प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। फिर हम डाल देंगे यहाँ टमाटर का पेस्ट, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर डालेंगे थोड़े से मसाले। यहाँ डाल दिया हमने हल्दी पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हम यहाँ डालेंगे नमक लास्ट में, और हम डालने वाले हैं कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको लास्ट में पता चल जाएगा। ये मैंने डाला है मलाई, फ्रेश मलाई जो होती है दूध की, तो वो मैंने डाल दिया। इससे हमारी ग्रेवी में बहुत ही क्रीमी टेक्स्चर आता है, बहुत प्यारा टेस्ट आ जाता है। बस हमने डाल दिया यहाँ पानी, अपने अनुसार आप पानी डाल दीजिएगा।
अगर आप ग्रेवी थोड़ा थिक पसंद करते हैं तो कम पानी डालिएगा, अगर ज़्यादा तरी वाली आप ग्रेवी खाना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। और जैसे ही ग्रेवी में उबाल आ जाएगा पानी में, तो हम यहाँ डाल लेंगे कटा हुआ हरा धनिया और बस ग्रेवी को कुक कर लेंगे 5 मिनट के लिए। और फिर हम डाल देंगे बेसन के क्यूब्स जो हमने बना के रेडी किए हैं। देखिए अच्छे से उबाल आ गया है, ग्रेवी हमारी अच्छे से पक के रेडी हो चुकी है, तो बेसन के क्यूब्स हम डाल देंगे और फिर इसको हम 2 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। बहुत टेस्टी रेसिपी है, आप इनको चावल के साथ रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं, रोटी के साथ, परांठे के साथ। और अब यहाँ डाल दिया हमने नमक, क्योंकि हमने नमक पहले नहीं डाला था और बाद में ही सब्जी की क्वांटिटी का पता चलता है कि पक के वो कितनी रह गई है, तो उसके अनुसार हमने यहाँ नमक डाल दिया। और डाला है हमने यहाँ थोड़ा सा अचार मसाला। अचार मसाला जब आप सब्जी में डालते हैं ना तो बहुत प्यारा टेस्ट आ जाता है, चटपटा सा, स्पाइसी सा। और यहाँ डाल दिया मैंने सीक्रेट इन्ग्रीडियंट देसी घी। देसी घी डालने से भी हमारे जो सब्जी होती है ना उसका स्वाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, स्वाद इतना ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है कि आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है हमारी सब्जी। तो ये लीजिए हमारी सुपर डिलीशियस बेसन की नई तरीके की सब्जी बनकर हो गई है तैयार। तो जब आप भी घर में एक ही तरीके की सब्जी खा खा कर हो गए हैं वो, तो इस तरीके की नई सब्जी आप ज़रूर बनाएगा और सबको खिलाएगा। खाओ पियो, नाचेगा, मज़े करो और खुश रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी, बाय बाय।